क्वेश्चन देखते हैं सेवन नंबर, कह रहा है दो फलों एफ एन टू एन तथा जी एन टू एन के उदाहरण दीजिए, दोनों नेचुरल पे ही परिभाषित है, जो इस प्रकार से है कि जी ऑफ एफ अच्छादक है, अनटू है जी ऑफ एफ, लेकिन फंक्शन एफ अनटू नहीं है, अच्छादक नहीं है, फंक्शन एफ अनटू नहीं है, आपका अच्छादक नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे एफ एन टू एन पर परिभाषित, हमें ऐसा उदाहरण लेना है कि वह अच्छादक ना हो, अनटू ना हो। एफ एक्स बराबर मैं एक्स प्लस वन ले लेता हूँ, और जी एन टू एन पे डिफाइन है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, जी एक्स बराबर, यहाँ दो तरह से ले सकते हैं, एक्स माइनस वन यदि एक्स वन से बड़ा है, और इसका वैल्यू वन हो जा रहा है यदि एक्स बराबर वन है। तो यहाँ पे दो कंडीशन, अगर एक्स वन के बराबर है तो इसका वैल्यू वन हो जाएगा फंक्शन जी वन का, और एक्स अगर वन से बड़ा है तो उसका वैल्यू एक्स माइनस वन होगा। चलिए अब इसको हम लोग दिखाना होगा कि फंक्शन एफ आपका अच्छादक नहीं है लेकिन जी ऑफ एफ अच्छादक है। चलिए देखते हैं, फंक्शन एफ हमें अच्छादक नहीं है, तो पहले देखते हैं फंक्शन एफ के अच्छादक नहीं होने के लिए। मैं मान लेता हूँ लेट वाई बराबर में एफ एक्स, तो वाई बराबर में हो जाएगा एक्स प्लस वन, यानी कि यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा वाई माइनस वन। यह नेचुरल नहीं होगा जब y बराबर हो गया वन। अगर मैं y की जगह वन रख दूँ, वन भी तो एक नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर वन रख दूँ तो वन में से वन जाएगा जीरो, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि y बराबर वन का पूर्व प्रतिबिंब या वन का, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ वन का भी लिख सकते हैं कि अवयव वन का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, प्रांत n में नहीं है, therefore f is not अनटू। फंक्शन f जो है यह आपका अनटू नहीं है, अच्छादक नहीं है, लेकिन हमें दिखाना है कि यह g ऑफ f अच्छादक है। चलिए देखते हैं g ऑफ f के लिए, जी ऑफ एफ के लिए मान लेते हैं कि यदि एक्स बराबर वन है, यदि एक्स क्या है वन के बराबर है, चलिए तो जी ऑफ एफ क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स बराबर में हो जाएगा जी एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस वन। अच्छा जी एक्स प्लस वन बराबर, यदि एक्स वन के बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अच्छा यदि x 1 से बड़ा है तो g ऑफ f x क्या हो जाएगा, g f x यानी कि g f x का वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस वन है। फंक्शन g में x अगर 1 से बड़ा है तो ये ना हो जाएगा, तो x की जगह रख देंगे x प्लस वन, x की जगह x प्लस वन और माइनस वन, तो 1 से 1 कट गया, आपका x आ गया। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर y बराबर में g ऑफ एफ एक्स मान लूँ, यानी कि y बराबर में x हो जाएगा, यानी कि x बराबर y भी लिख सकते हैं, तो यह नेचुरल नंबर होगा कब, जब y भी आपका नेचुरल नंबर होता। देखो y अगर नेचुरल नंबर हो रहा है तो x का वैल्यू जो है वह भी नेचुरल होगा, यहाँ क्या देख रहे हैं, अतः देख रहे हैं ना कि हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, ठीक है, अतः g ऑफ f इज अनटू, फंक्शन g ऑफ f क्या है, अनटू है। तो इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।